संपूर्ण नाम संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 37वें कुलपति के रूप में प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति नियुक्त किया है, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पदभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि संस्था अपना लगभग 225 वर्ष पुराना गौरवपूर्ण इतिहास लेकर चली आ रही है। भारतीय विद्याओं की मानक ये संस्था है। इस संस्था में योग्य अधिकारी कर्मचारी और बहुत विद्वान आचार्य हैं। यहाँ क्षमता सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। हमें यह सामर्थ्य को संजोकर इस विश्वविद्यालय के उत्कर्ष के लिए उसका उपयोग करना है। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यह संस्था लगभग 225 वर्षों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास लेकर के चली आ रही है। भारतीय विद्याओं की मानक संस्था ये है। इस संस्था में योग्य अधिकारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं और बहुत विद्वान आचार्य हैं। सबके सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। हमको केवल उस सारे सामर्थ्य को संजो करके इस विश्वविद्यालय के उत्कर्ष के लिए उसका उपयोग करना है। इतना हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के संभूय समुत्थान के भाव से इस संस्था में कुछ नया कर पाए, जो रचनात्मक हो, सकारात्मक हो और इस संस्था की प्रतिष्ठा के साथ साथ भारतीय विद्याओं की पुनः प्रतिष्ठा विश्व पटल पर हो पाए। पठन पाठन क्या वह तो पठन पाठन किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी है। विश्वविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन और प्रशासन, ये तीन चीजें होती हैं। अध्ययन विद्यार्थी करते हैं, अध्यापन आचार्य करवाते हैं और प्रशासन का काम होता है इस अध्ययन अध्यापन को व्यवस्थित तरीके से रखना, ताकि अध्ययन सुगमता से हो और अध्यापन में कोई कठिनाई ना आए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन होता है। इसलिए अध्ययन अध्यापन तो नंबर एक पर रहता है और वही संस्था की जान होती है। उस पर हमारा फोकस रहेगा कि अध्ययन अध्यापन का स्तर जैसा इसका पूर्व में रहा है उसी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो और स्तरीय हो, इस प्रकार का यहाँ वातावरण बने, ताकि ना पढ़ने वालों को असुविधा हो ना पढ़ाने वालों को असुविधा हो। हम सब मिलकर के उसकी उचित व्यवस्था कर पाएँ, ऐसी शक्ति ऐसा सामर्थ्य बाबा विश्वनाथ हमको दें।